वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन कार्डिक मसल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है इसका? RMP -85 to -90 mV। किस में? वेंट्रिकल मसल में, मसल सेल्स में। इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आता है? इसका ग्राफ इन फेजेस के साथ आता है और उसमें आयन चेंजेस इस ग्राफ के थ्रू अपन समझेंगे। तो बेसिकली इसका जो RMP होता है वो -85 to -90 mV होता है। जब इसमें पूरे ग्राफ को इन्होंने 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, तो फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। सो फेज़ 0 बेसिकली इट्स अ डीपोलराइजेशन फेज। फेज़ 1 इज़ इनिशियल रीपोलराइजेशन फेज। फेज़ 2 जो है इट्स अ प्लेटियो फेज। फेज़ 3 इज़ अ रैपिड रीपोलराइजेशन फेज एंड फेज़ 4 इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल। तो पर्टिकुलर फेज़ 0, 1, 2, 3, 4 पे क्या इवेंट होता है, ये इस पे कई बार MCQ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हम इस फेज़ और इसमें होने वाले चेंजेस को लेके डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जब भी एक्शन पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -85 to -90 के बीच में होता है, तो फेज़ 0 में क्या चेंजेस आते हैं? फेज़ 0 जो कि डीपोलराइजेशन फेज़ है, तो डीपोलराइजेशन फेज़ में जैसे ही सिनोड से स्टिमुलस मिलता है, ओपनिंग ऑफ द फास्ट गेटेड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड हैं बेसिकली। तो ये जो फेज़ 0 है इसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम की जो एंट्री है वो ECF से ICF के अंदर होने लगती है। ये वाला ग्राफ देखिए, ECF से ICF के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। चूँकि फास्ट गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं इसीलिए एकदम स्ट्रेट ग्राफ आता है और मसल जो है, फाइबर जो है वो डीपोलराइज हो जाता है, इसीलिए इसे डीपोलराइजेशन फेज कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन फेज। और इस कंडीशन के अंदर जो स्पाइक है, जो पोटेंशियल है वो -85 से कितना पहुंच जाता है? -+20 तक। ठीक है, जैसे ही ये +20 तक पहुंचता है इनिशियल फेज आती है इनिशियल रिपोलराइजेशन की। क्यों? इस फेज पे सोडियम चैनल्स, फास्ट सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, इसके साथ में पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम का ई फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम ई फ्लक्स से रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है और इनिशियली ये ग्राफ नीचे आता है, लेकिन इसी टाइम पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चैनल्स ओपन होने से क्या होता है, कैल्शियम जो है वो ICF में एंटर करने लगता है। ये देखिए, ECF से कैल्शियम ICF में एंटर करता है और जो पोटेशियम का ई फ्लक्स है वो लेटर ऑन लेट स्टेज ऑफ प्लेटू फेज पे डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये जो प्लेटू फेज है ये होती है कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से। ठीक है, तो कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल फेज है प्लेटू फेज। जैसे ही 1 पे आता है और इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज होती है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम का ई फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ नीचे आता है तो पोटेशियम चैनल्स तो क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की एंट्री स्टार्ट हो जाती है और ये कंटिन्यू रहती है फेज़ 2 तक। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेटू फेज़, जो फेज़ 2 है। और ये कारण पूछ लिया जाता है प्लेटू फेज़ जो है वो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है और पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और जो पोटेशियम आयन्स हैं उनका ई फ्लक्स रुक जाता है। जैसे ही फेज़ 2 कंप्लीट होती है यानी प्लेटू फेज़ ख़त्म होती है, इनिशियली क्या होता है, थर्ड फेज़ में आते ही कैल्शियम चैनल्स डिक्रीज हो जाते हैं इनफ्लक्स, क्योंकि जो कैल्शियम चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड वो क्लोज हो जाते हैं और रीपोलराइजेशन के लिए फास्ट पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोर पोटेशियम ई फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है।
मोर पोटेशियम इफ्लक्स होने से मेम्ब्रेन जो है वो रिपोलराइजेशन की तरफ रैपिडली बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पे पोटेशियम का इनिशियल रिपोलराइजेशन हुआ था, ठीक है, तो ये वन फेज आई, फिर वापस में ये चूँकि क्लोज हो गए चैनल्स और पोटेशियम जो है वो बाहर इफ्लक्स नहीं हुआ तो ये प्लेटू फेज आई, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता रहा कंटिन्यू तो प्लेटू फेज आई। जैसे ही प्लेटू फेज ख़त्म होती है आप ये देखिए आयरन का जो इफ्लक्स है पोटेशियम का वो बढ़ जाता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाता है। और रैपिड रिपोलराइजेशन के बाद फेज़ फोर आती है जिसे बोलते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन जो है वो वापस से अपने पोटेंशियल -85 to -90 के बीच में आ जाती है, और ये RMP मेंटेन रहता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू। तो ये पूरे जो ग्राफ के बारे में डिटेल है वो हमने आपको यहाँ समझाई हुई है कि फेज़ ज़ीरो में डीपोलराइजेशन फेज़ होती है, फास्ट गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड, एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स इनसाइड द सेल, सेल्स गेट इंस्टिमुलेटेड एंड डीपोलराइज्ड एंड फाइनली बिकम्स मोर पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फेज़ वन में हम बात करें, दिस इज़ इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज, फास्ट सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, देन सेल्स बिगिन टू रिपोलराइज एंड पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, और क्योंकि पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं जैसा हमने आपको फेज़ वन में बताया। अब फेज़ टू में प्लेटू फेज़ क्यों आई थी, क्योंकि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और फास्ट पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब इसकी दोनों ही इनकी वजह से, इन दोनों इवेंट्स की वजह से जिसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और पोटेशियम इफ्लक्स होता है, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल में प्लेटू फेज़ आती है। फेज़ थ्री जो है दैट इज़ रैपिड रिपोलराइजेशन फेज, इसमें दो इवेंट आते हैं, एक तो क्लोज होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, दूसरे इफ्लक्स होता है पोटेशियम चैनल्स आयन्स का, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं तो पोटेशियम बाहर आ जाता है जिससे रिपोलराइजेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, प्लेटू फेज का एंड हो जाता है, ये कंटिन्यू रहता है पोटेशियम का इफ्लक्स जिसके थ्रू मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग लेवल पे आ जाता है। लास्ट फेज है फेज़ फोर जिसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये पोलराइज्ड स्टेट है, और पोलराइज्ड स्टेट है इसमें जो पोटेंशियल है वो मेंटेन हो जाता है -90 mV पे, और इसका जो बेसिक है आयनिक बेसिस दैट इज़ सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प जो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। आई होप वेंट्रिकुलर मसल कर्व में एक्शन पोटेंशियल को लेकर आप सारी फेजेस को समझ गए होंगे, और इवेंट्स में आयरन चैनल्स आयन्स के इनफ्लक्स और इफ्लक्स व्यू को आप समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।